Hey guys, this is Neha and welcome back to my channel. आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि बच्चे को बादाम कब से देना स्टार्ट करना चाहिए, सेकेंड कि बच्चे को बादाम कितना देना चाहिए, नेक्स्ट कि बच्चे को बादाम देने के क्या फायदे होते हैं और गर्मियों में हम बच्चे को किस तरह से बादाम दे सकते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बादाम को खिलाने से बच्चे का वेट गेन फटाफट से होने लगता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बादाम बच्चों के लिए कितना हेल्दी फूड होता है। बादाम में प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है और फाइबर काफी मात्रा में होता है, जिससे बच्चे का ना केवल वजन बढ़ता है, साथ ही ये दिमाग के डेवलपमेंट में भी काफी हेल्पफुल होता है। इससे बच्चे की आईसाइट काफी ज्यादा अच्छी होती है और हेल्दी और ग्लोइंग स्किन भी होता है। जैसे ही बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट करता है तो सारे पेरेंट्स के मन में आता है कि बच्चे को बादाम कब से देना चाहिए और कितना देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे को बादाम कब से देना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है तब बच्चे को बादाम देना आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आप बच्चे को एकदम थोड़ा सा ही बादाम दें, क्योंकि बहुत से बच्चे को बादाम से एलर्जीज हो जाती है और साथ ही बादाम काफी ज्यादा गर्म होता है और नया फूड होने के कारण, मतलब बच्चे के लिए कुछ नया होने के कारण थोड़ा सा बच्चे के लिए इसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आप बच्चे को थोड़ा सा ही बादाम को भिंगो के उसे घिस के दीजिए और धीरे धीरे जब आपको लगता है कि बच्चे को कोई एलर्जीज नहीं है इससे या फिर बच्चा इजिली इसे डाइजेस्ट कर पाता है, तो आप 1 साल से छोटे बच्चे को आधा बादाम दीजिए। जब बच्चा 1 साल का हो गया है तो आप बच्चे को पूरे दिन में 1 बादाम दे सकते हैं, आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं या फिर एकदम हल्का सा पाउडर मिला के दे सकते हैं। और जब बच्चा 2 से 5 साल का है तो आप बच्चे को दिन में 2 बादाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को बादाम क्यों देना चाहिए, मतलब इसका क्या बेनिफिट है। तो कहा जाता है कि 1 बादाम और उसके अनेक फायदे। बादाम का सबसे पहला फायदा है कि इससे बच्चे का दिमाग तेज होता है, ये तो सबको पता होगा, ये सभी को मालूम होता है। बादाम में प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, इससे क्या होता है, बच्चे की याददाश्त तेज होती है, बच्चे के मेमोरी को शार्प करने में बादाम काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा है कि बच्चे को बादाम वाला दूध देने से बच्चों की हड्डियां स्ट्रांग होती है, क्योंकि बादाम वाले दूध से बच्चे को विटामिन डी भी मिलता है, जिससे बॉडी में कैल्शियम की बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन होती है और इससे बच्चे की जो बोन्स होती है वो स्ट्रांग होती है। अगला है कि बादाम के गर्म होने के कारण ये बच्चे के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब कि बच्चे के बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। जिन बच्चे को ज्यादातर सर्दी होता है या फिर खांसी होता है या जुखाम रहता है, उन बच्चों के लिए ये एक अचूक उपाय है। आपको किस तरह से देना है, आप क्या करिए, बादाम को भिंगो के उससे दूध में घिस के बच्चे को दे सकते हैं या फिर आप शीरा बना के बच्चे को दे सकते हैं। शीरा में बादाम भी होता है और घी भी होता है, दोनों ही गर्म होता है, इससे बच्चे के सर्दी को ठीक करने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगला बेनिफिट है कि बादाम में विटामिन ए होने के कारण ये बच्चे की आईसाइट को बढ़ाता है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण ही आंख में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो बादाम बच्चे के लिए शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की अच्छी आईसाइट को लेकर के। नेक्स्ट है कि बादाम में विटामिन ई होता है और ये हम सब जानते हैं कि विटामिन ई से हेल्दी और ग्लोइंग स्किन रहती है, तो बच्चे को बादाम देने से क्या होता है, बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग होती है। अब बात करते हैं कि बच्चे को बादाम गर्मियों में हम कैसे दे सकते हैं।
गर्मियों के दिनों में हम बच्चे को बादाम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं क्योंकि बादाम के गर्म होने के कारण बहुत से बच्चे पे इसका साइड इफेक्ट्स भी होता है, जैसे कि बच्चे को लूज मोशन होने लगता है या फिर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में, मतलब कि जब आप बच्चे को ज्यादा बादाम खिला देते हैं तो बच्चे के नाक से ब्लड आने लगता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप ड्राई फ्रूट पाउडर का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप एकदम कम अमाउंट में यूज करिए। तो गर्मियों के दिनों में हम बच्चे को कैसे बादाम दे जिससे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं कम हो और बच्चे को हार्म भी ना पहुंचे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों के दिनों में बच्चे को बादाम देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप बादाम को भिंगो के रख दीजिए, मतलब कि आप रात में रख सकते हैं अगर आपको सुबह में देना है। कम से कम बादाम 7 से 8 घंटे के लिए पानी में रहना चाहिए और सुबह आप उसे छिलकर आप अपने बच्चे को इन 4 तरीकों से दे सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आप भींगे हुए बादाम को अच्छे से छील दीजिए और उसे सिलबट्टे पे दूध के साथ घिसिए और बच्चे को दीजिए। इससे काफी अच्छी न्यूट्रिशन बच्चे को मिलती है और ये एक ट्रेडिशनल वे है बच्चे को बादाम देने का। आपके एल्डर्स इस तरह से बच्चे को बादाम देने के लिए कहते होंगे। दूसरा वे है कि आप भींगे हुए बादाम को उसी तरह से उसका छिलका हटा दीजिए और दूध के साथ पीस लीजिए और फिर बच्चे को खाने के लिए आप दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बच्चे आराम से खा भी लेंगे, उन्हें अच्छा टेस्ट लगेगा और वो खा लेंगे। तीसरा तरीका है ड्राई फ्रूट्स पाउडर, मतलब बहुत सारे लोग तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर अपने बच्चे को देते होंगे लेकिन गर्मियों के दिनों में आपको ज्यादा ड्राई फ्रूट्स पाउडर नहीं देना चाहिए क्योंकि बादाम बहुत ज्यादा गर्म होता है। आप कम अमाउंट में ही बच्चे को दीजिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गर्मियों के दिनों में आप भींगे हुए बादाम ही बच्चे को दें या फिर बच्चे के किसी भी खाने में आप यूज करते हैं तो भींगे हुए बादाम का ही यूज करिए। अगला तरीका है, मतलब कि चौथा तरीका है कि आप बच्चे को भींगे हुए बादाम को पीसकर शहद के साथ दे सकते हैं। इससे बच्चे को एक मीठा मीठा सा टेस्ट भी आएगा और अच्छा लगेगा बच्चे को खाने में और ये बच्चे के लिए फायदेमंद भी होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 1 साल से छोटे बच्चे को बादाम दे रहे हैं तो फिर आप शहद का यूज नहीं कीजिए। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत सारे वीडियोस में कि छोटे बच्चे को शहद देने से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि बच्चे को बादाम किस फॉर्म में खिलाने से बच्चे की एकदम से वेट गेन हो जाती है। काफी सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे का वेट गेन हो ही नहीं रहा है। आप इस तरीके से बच्चे को बादाम खिला के देखिए, डेफिनेटली वेट गेन होगा। तो पहले जो मैंने आपको 4 वे बताया कि किस किस फॉर्म में आप बच्चे को बादाम दे सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चे के वेट गेन को लेकर के। लेकिन आप एक और तरीके से बच्चे को बादाम खिला सकते हैं और इससे डेफिनेटली वेट गेन होगा, वो है आप बच्चे को बादाम शीरा के फॉर्म में खिला सकते हैं। बादाम का शीरा बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप भींगे हुए बादाम को पीस लीजिए, मतलब कि आप सिलबट्टे पे पीस सकते हैं और उसे दूध में मिला लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी लीजिए और उसे घी के साथ गर्म कर लीजिए। ये काफी ज्यादा टेस्ट में भी अच्छा होता है, बच्चे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फिर क्या होगा, इससे काफी ज्यादा वेट गेन होता है। लेकिन आप कम अमाउंट में ही बच्चे को दीजिए और गर्मी के दिनों में आप इसको अवॉइड करिए। आप इस नुस्खे को विंटर के टाइम पे करके देखिए, बच्चे का वेट गेन डेफिनेटली होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए या फिर और भी अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।